रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनय प्रजापति की अध्यक्षता में विधायक को झूठे मुकदमे में फंसाने के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि प्रजापति समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का सिलसिला नहीं रुका तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन के डॉक्टर शिव कुमार प्रजापति, राकेश प्रजापति, संतोष प्रजापति, संजय प्रजापति, बुद्धिराम प्रजापति, अंगद प्रजापति सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए लालजी प्रजापति ने कहा, बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ आज बताया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि विशेष प्रजापति ने कुछ नहीं कहा होगा, वो भी कहे होंगे, लेकिन इसकी गहन प्रजापति समाज के लोगों को प्रताड़ित न किया जाए जिस तरह से किया जा रहा है। पहले गायत्री प्रजापति को प्रताड़ित किया गया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं कि इनका जो है जांच करके और उचित कार्रवाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रजापति समाज अब जागरूक हो गया है कराने और जांच में जो भी दोषी अधिकारी पाया जाए या नेताजी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर प्रजापति समाज के लोगों को इसी तरह प्रताड़ित किया गया तो हम यहाँ के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर प्रजापति समाज को न्याय नहीं मिला तो हम चल करके लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे, दिल्ली में चल के हम लोकसभा का घेराव करेंगे। अब प्रजापति समाज हमारा जागरूक हो गया है। मांग है कि जो प्रजापति हैं जिनके ऊपर क्या होता है खनन का जो आरोप लगा है कि इन्होंने पैसा लिया या पैसा मांगा या जो कुछ भी है उनको जो जेल में बंद किए हैं, हाँ झूठा मुकदमा लगाए हैं, वो मुकदमा वापस हो और उनको रिहा किया जाए। लालजी प्रजापति, लोकसभा प्रत्याशी, गोरखपुर।